स्टूडेंट सर मैचिंग आते हैं लो पीछे नमस्कार दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपने। मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लार। और निकिता रावल जिनके घर में एक दिन मैंने खाया था दाल चावल, आज बिग टॉक चाहते हैं। राजू सर बेटा यहाँ देखिए, सामने देखिए, कैमरे में देखिए हम लोग के। सर सर यहाँ देखिए, सर यहाँ देखिए, सर यहाँ देखिए। काम यस 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 यस। यहाँ पर निकिता रावल मतलब है NR और सामने है PR। हम सब आपके राइट में हैं, ये है हमारी सुपरस्टार। एक बात चाहते हैं कि इनका गाना सब देखे वरना एलिमिनेट हो जाएगी। अब सामने मैम विजुअल हो गया नहीं नहीं अभी हो गया भाई, फ्रंट से भी लेना ले ले एक यहां तक। मैडम यहां देखिए, सामने देखिए एक बार। भाई लाइट में ओके मैम, थैंक यू। बस ले लिया ओके मैम, थैंक्स मैम। बाय 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 नीचे। वाओ वेरी नाइस। सर यहाँ देखिए, सर यहाँ देखिए, मैम फ्रंट देखिए। सर राइट में आपके, राइट में मैम, राइट में आपकी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मैम, थैंक्स मैम। Process 10 se countdown karte hai 10 9 8 come on with me say 7 6 5 4 3 2 1 and zordar taaliyan ho jaye. Here we have the beautiful poster of shy shy there by one and only Nikita Rawal. A big congratulations to you and the whole family here.
आई गेस थोड़ी हूटिंग कम हो रही है. हाँ थोड़ी हूटिंग की आवाज आनी चाहिए. कम ऑन एवरीबॉडी. लंबी खामोशी हो जाती तालियों के बाद. मैम यहाँ देखिए थोड़ा क्लोज आइए सब लोग. आज ये डांस कर रहा था मैं. मैंने सोचा, मैंने कहा यार निकिता ने कम कपड़े पहने, एसी स्ट्रांग है तो डॉक्टर क्यों लेके घूम रही साथ. दूर से मुझे डॉक्टर लग रहा था साथ. निकिता को देखकर यहाँ सारे पेशेंट हो गए ना. एक नमूना यहाँ पे छुपा बैठा है जिनका नाम है सुनील पाल. किस कोने में है सब सुन दिखाए नहीं. वो बड़ी जल्दी नाराज. काट दिया गया है सबके किलों को. ओके मैम इंटरव्यू करते अभी. देखिए हम एक्ट्रेस हैं और इस फील्ड में हैं तो तैयारी में हम हमेशा रहते हैं. और मुझे लगता है कि हर इंसान को और स्पेशली एक्टर को हमेशा हर बार तैयारी में रहना चाहिए. राइट. बहुत डिफरेंट से रोल किए मैंने अपनी लाइफ में. कुछ सीरीज़ की, कुछ मूवीज़ की, कुछ वीडियोज़ किए. बट हमेशा से मुझे एक सेंशियल सॉन्ग करना था तो आई थिंक दिस इज़ द वन आई वॉन्टेड टू डू इट. And this is a little bit sensuous and very nice romantic song. So I always wanted to do a romantic song. So I think this is the one I want to present you guys. Shai Shai Dil jo hai wo bahut romantic aur sensuous song hai. तो मुझे लगता है अभी आजकल बहुत डांस नंबर का ट्रेंड चल रहा था तो मुझे लगा कि इसके बीच में अगर मैं कोई तड़का डाल दूँ तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा. और एग्जैक्टली ऐसे हुआ है. बहुत सारे डांस नंबर और पंजाबी ट्रैक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था तो मुझे लगा कि इस तरह का गाना बहुत डिफरेंट और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं. मेरा टीज़र इतना ज़्यादा वायरल हुआ, इतने ज़्यादा प्यार मिला इस टीज़र को तो आई थिंक दिस इज़ द वन आई वॉन्टेड टू. हमारा हमेशा से ये थॉट था कि हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस हो. सो ये सॉन्ग हमने स्पेशली हमारे प्रोडक्शन हाउस को ये कहो कि ये वेलकम सॉन्ग है ऑफ माय प्रोडक्शन हाउस विच इज़ निकिता रावल प्रोडक्शन हाउस. और इसी सॉन्ग से हमने सोचा कि चलो इस कुछ अपने ही प्रोजेक्ट्स होंगे. हमारी बहुत सारी वेब सीरीज लाइंड अप है सॉन्ग्स और वो सारे. सो ये जो शाय शाय दिल था वो हमें थोड़ा रोमांटिक वे से शुरुआत करनी थी. सो यू नो लव इज़ ऑलवेज गुड फॉर ऑल द बिगिनिंग. सो यस हमने ये सोचा कि हम शाय शाय दिल से हमारा प्रोडक्शन हाउस चालू करते हैं. आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड के यू नो वी गॉट दिस डे. सो एक सुपर सरप्राइज़ है जो सबको नेक्स्ट मंथ मिलेगा जो कि मैं टॉक शो करने जा रही हूँ Z5 के लिए, जहाँ पर बहुत ही रॉ एरिया में मैं जाऊँगी, जैसे कि रेड लाइट एरिया है, जैसे कि स्लम्स है और बहुत सारा मैसी एरिया जो है, वहाँ जाकर उनके इंटरव्यू लेके उनको जिनको आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है किसी चीज़ के लिए या फिर वो बहुत रॉ है अपनी लाइफ में बहुत ही अलग तरीके से फाइट कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए मैं टॉक शो लेकर आ रही हूँ क्योंकि उन्हें भी बोलने का मौका मिले. मेरा सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जो मजबूरी से अपना काम करती हैं या वो नर्सेज हैं या वो पोस्टमार्टम करने वाले वार्ड बॉयज़ हैं. तो ये मेरा टारगेट है और मैं खुद एक बहुत बड़ा टॉक शो लेकर आ रही हूँ Z5 के लिए जिसकी शूटिंग परसों से शुरू हो रही है. तो सुपरली एक्साइटेड फॉर दिस एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू दिस वेरी वेरी सून.
देखिए आस्था फाउंडेशन आज नहीं 7-8 साल से बहुत सारे काम करते आया है और बहुत सारे लोगों के बीच में जाकर उनकी प्रॉब्लम सुनते आया है। तो मुझे लगता है कि निकिता रावल और आस्था फाउंडेशन कुछ अलग नहीं है, जैसे निकिता और आस्था अलग नहीं है। तो ये फाउंडेशन के तहत मैं उनकी प्रॉब्लम सुनूंगी, बट प्रॉब्लम सुनना एक सोल्यूशन नहीं होता, इसीलिए मैं वो प्रॉब्लम सुन के आस्था फाउंडेशन के तहत उनकी हेल्प करना चाहूँगी। और आई थिंक देखिए करण जौहर एक शो करता है या फिर कोई भी मलाइका या कोई भी शो करते हैं तो एक जस्ट अ ग्लैमर, बहुत सारे डर्टी टॉक्स होते हैं, ग्लैमर होता है, बट एक्चुअल में जो अपने मैं कहना बहुत दबे लफ्जों में चाहूँगी कि एक्चुअल में जो अपने आप को सेल करके या फिर लोगों के पोस्टमार्टम करके या चोरी करके या झोपड़पट्टी में किसी के बर्तन घिस के जो अपनी लाइफ चला रहे हैं उनके लिए कोई टॉक शो नहीं बना या फिर उनके लिए कोई बात नहीं करता। सो आई एम द वन, आई एम गोइंग टू डू दैट और मैं आप सबके सामने एक्चुअल में सच्चाई प्रेजेंट करूँगी कि लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एंड ये सारे लोग भी हैं जो दूसरे लोगों को, जो नॉर्मल समाज हो उनको जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ें भी हो रही हैं। और ये हम हमारे निकिता रावल प्रोडक्शन हाउस के अंदर ये स्टार्ट करेंगे शो। अभी फ़िलहाल तो एक ही मैसेज है, शाय शाल दिल देखो और शाय शाल दिल को हिट करो, गाना लाइक करो, पसंद करो, सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पे जाइए, निकिता रावल चैनल है वहाँ पर ये सॉन्ग देखिए, जितनी मर्जी बार देखना हो देखिए। मैं यहाँ पर भी सबको कहूँगी कि प्लीज उसको रिपीट मोड पर देखकर बस देखते जाइए। आई होप यू लाइक एंड आई रियली फील कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी है हमारे साथ, तब जाकर हम इतना सारा काम कर पाए हैं और आगे बहुत अच्छा काम करने की चाहत है। सो प्लीज़ 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 सॉन्ग देखिए, लाइक करिए एंड देखते रहिए। ओह दैट वाज पहले शॉकिंग था, डर गए हम, बट आई थिंक यही प्यार है, यही जो मैंने किया है, मुझे लगता है कि अब तक जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ बस ये यही था, यही मेरी दौलत थी, यही मेरी कमाई थी। जो भी मेरे फ्रेंड्स, जो भी मेरी फैमिली, जो भी मेरे लोग मेरे साथ है वही मेरी अर्निंग है आज तक की लाइफ की। सो आई लव यू ऑल ऑफ देम एंड थैंक यू सो मच माय फैंस फॉर गिविंग मी सो मच लव। थैंक यू प्लीज विजुअल है ना, वॉच द सॉन्ग शाय शाय दिल। यस आप बोलिए। निकिता जी के लिए मेरी यही विशेष है, मेरे सारे जितने व्यूवर्स हैं, ऑडियंस है, जो मुझे भी देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि निकिता जी का ये गाना सुपर डुपर हिट होना चाहिए और मेरी ब्लेसिंग है और वो ब्लेसिंग पूरी करने के लिए आप लोगों को ये गाना देखना पड़ेगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। निकिता जी अपने आप में एक तारीफ है और ये अभी जो अंदर सबके सामने बोल रहे थे अरे मेरे ये सब पिलर है मेरे सब सपोर्टर, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इंसान, ये जो खड़ी है यहाँ पर, ये हम सबका पिलर है, पूरी फैमिली का पिलर है। ये हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, हमेशा बोलते हैं आगे बढ़ो और आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारी पिलर है और ये हमारी हिम्मत है। इसे इस हिम्मत को आप लोग जितना आगे बढ़ाओगे हम उतने ही आगे चलेंगे। ये आपकी वजह से आया है। निकिता जी से लिए मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलूँगा, इनका जो हार्ट है और सॉफ्ट कॉपर, इतना प्यारा, इतना हार्ट, इनका पूरा फैमिली बहुत ही बढ़िया है और ये चांद को छुएगा, ये कह रहे हैं। जरूर जरूर। You know, we call it BFF, friends forever. So we are friends forever, and it's nothing to do with the industry. Relations कभी कभी दिल से बनते हैं और life long के लिए वैसे ही रहते हैं. So that's me and her. We are soul sisters. So मैं यही wish करती हूँ कि जितनी दुआएं, जितनी
बेस्ट विशेस, जितनी जितने आशीर्वाद आपने मुझे दिए हैं, शी इज़ माई सोल, आप सभी वो आशीर्वाद दीजिए, आपके थ्रू ही लोगों तक बातें पहुंचती है, एंड यू हैव ऑलवेज बीन देयर, सो प्लीज़ बी बाय हर एंड स्प्रेड दिस वर्ड. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल माई फैंस, गो वॉच द सॉन्ग, सॉन्ग इज वेरी ब्यूटिफुल एंड इट इज़ वेरी लाइवली. I really wish all the best and all the luck to her. You know, after this, she rocks, and I really want to see her reaching heights. So, guys, spread love and give her blessings. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Sangash Group ka tailor hai. Sangash Group ka tailor hai. Tiji hai. हाँ जी. Sangash आए कैसा लगा मैम आपको? टू टेल यू फ्रेंकली, अभी फिलहाल शो की जो व्यस्तता रही उसके बाद में मैं सच में देख नहीं पाई. मैं इसको ज़रूर देखूंगी एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी रॉकिंग. हंड्रेड परसेंट वाई नॉट, घर में ही जब स्टार्स हैं तो क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे एंड वी रियली आर टॉकिंग अबाउट इट. सो जल्दी में कुछ अच्छा करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.